शॉर्टफॉल जीरो, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग फिर भी जारी है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग के बायस आवाम परेशान है। कराची में बिजली 12-12 घंटे गायब, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। हुकूमती दावे ठुस हो गए। गर्मी बढ़ते ही मुल्क में भी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। कराची वालों पर इलेक्ट्रिक की खास मेहरबानी जारी है और 12-12 घंटे बिजली गायब होने के बायस शहरियों का सब्र जवाब देने लगा है। शहर कायद में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बहाने बहाने से बिजली बंद की जाने लगी है। पूरा दिन नहीं होती, बहुत जुल्म करा हुआ है, बहुत जुल्म करा हुआ है। पावर डिवीजन के मुताबिक तलब के हिसाब से के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी कहते हैं कि उनके इदारे के पास 3200 मेगावाट से जायद की सलाहियत नहीं है, जबकि डिमांड 3600 मेगावाट तक जाने की वजह से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। बिल टाइम से आता है, बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं। दूसरी जाने पंजाब में भी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जबकि बलूचिस्तान में शदीद गर्मी के बावजूद कोयटा में 6 घंटे और दीगर इलाकों में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी इलाकों में 3 और दही इलाकों में 13 घंटों तक बिजली गायब रहने लगी है। शहरियों ने कहा है कि शॉर्टफॉल नहीं, कोई तकनीकी खराबी भी नहीं। क्या इस लोड शेडिंग को रोकने वाला भी कोई नहीं है? रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है। और क्यों लाइट बंद कर रहे हैं जब हम आपको एक्सेस बिल दे रहे हैं, अरबों रुपया रोज हर महीने वसूल कर रहे हैं गरीब आवाम से।